अब ये देखिए, ये रहे सभी। राजस ने अंडा दे दिया है बायरेश। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरे और मेरे मम्मी के चैनल पे आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के बहुत दिनों के बाद सुनाई दे रहा है, पता मतलब समझ आ रहा है, क्योंकि मतलब मैं और मेरा मम्मी बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। मतलब जब मेरा समय होता है तो मम्मी का नहीं होती है, जब मम्मी का होती है तो मेरा समय नहीं होता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और देख सकते बहुत दिन, मतलब बहुत दिन ही हो गए। अभी ठंड भी पड़ चुका है, हर तरफ कोहरा है। तो सर्दी में मैं और मेरे मम्मी अपना पेट को कैसे ख्याल मतलब देखभाल करते हैं, तो वही सब कुछ शेयर करूँगा। तो चलिए, और एक बात जो कि है, चैनल को आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कर दो, जिससे मैं मम्मी को समझा पाऊँ। तो चलिए आज का जो पेट ब्लॉग है स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अभी जो राजंश है, वो लोग हैं, तो वो लोग निकालने के लिए बहुत सुबह सुबह मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है, इसलिए उनका भी नहीं निकालेंगे, तो थोड़ा सा टाइम जाए फिर इनको निकाल। आ गया हमारा जो कुत्ता जेली है, खाने के लिए आ गए। क्या हुआ, ये देखिए किधर बैठे दादा, एक तो पड़े। मम्मी अभी इनको छोड़ने वाली है, तो अभी गौरा मतलब थोड़ा सा चले गए, धूप निकाला है, तो सर्दी में एकदम सुबह इनको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इनको ठंड लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा धूप निकालने के बाद ही इनको छोड़ते हैं, मम्मी छोड़ती है मम्मी। तो ये देखिए, ये रहे सभी। तो अभी देख सकते हैं इनमें से थोड़ा बहुत क्रॉस कड़कनाथ का बेबी है, कड़कनाथ है, देसी डाक है, कड़कनाथ का मुराग है। और वो वाला जो देख रहे हैं वाइट वाला, वो जो मतलब मेरी डाक था ना, उनका पेयर था, तो उनमें से एक मर चुका है, आपको दिखाया था, तो और एक अभी वो रही उस वाला, मैं उस साइड वाला सफ़ेद वाला, और उस तरफ का द्वारा भी खोलने वाले, देखते हैं वहाँ से कौन कौन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ज्यादा कोई नहीं है, दो बच्चे बस, दो एक ने बच्चा था उसको, एक्चुअली हुआ था इनका 8 बच्चे थे और 2-3-4 मेरी रख के भी बेबी थे। तो जब सब इनको ऊपर से नीचे ले आए थे, मम्मी छोड़ रही थी, तो बाहर का जो रैंडम डॉग होता है ना, वो लोग मिलके इनको खा लिया बहुत सारे को, तो बस ये दो ही बचे हैं अभी। ये कैसे खा रहे हैं हाथों से। मतलब विटामिन मिलते हैं उससे, इसलिए लोग खाते हैं कभी कभी अंडे के छिलके। देखिए खा रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितना अंडा पड़ा है, मम्मी देख रही है। बस एक ही अंडे है अभी, और बाकी अंदर है इसलिए निकल नहीं पा रही है, ये डक का अंडा है, देसी डक। तो मम्मी अभी जा रही है राजहंस को छोड़ने के लिए, तो उनको छोड़ते देखते क्या निकलते हैं लोग। और अंदर एक राजहंस से शायद आज वो अंडा देने वाली है, देखते क्या होते। तो इनमें से एक राजहंस को हमने सेल कर दिया है, जो कि मेल था बहुत इन लोगों के अंदर, तो हमेशा लगा था कि हमारे जो 5 है वो सभी फीमेल है, मगर हम गलत थे, इनमें से 2 मेल है, ये रही है और एक था जिसको मैंने सेल कर दिया, और ये दोनों भी मेल है। तो चलिए देखते,
देखिए कैसे उछल रही है लोग। तो मम्मी इनको अभी खाने के लिए गोभी देंगी, तो देखिए तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, जाके हम मेरा खरगोश को खाने देख के आते तो चलिए ऊपर चलते हैं। नई खुशखबरी शायद आपको देने वाले हैं, तो चेक करते हैं उसने अंडा दिया है कि नहीं। तो राजहंस ने अंडा दे दिया है बाहर से। देखिए हमारे जो राजन से उनका पहला अंडा कितना बड़ा है, देख सकते राजन ने पहली बार हमारे घर में अंडा दिया है। धरो तो धरो तो मुझे कितना का चलो हाँ और देखिए हाँ तो चलिए इनको रखते थे, ये वापस वहाँ पर ही वहाँ पर फिर से वो लोग भी अंडा देंगे। तो यहाँ पर है मेरा मामपी है, जो यहाँ पर देख सकते हैं उसको मैंने ऊपर रखा है, वो गेहूँ खा रहे हैं। इनको सुबह मैंने गेहूँ खाने को दिया है। और ये रहा मेरा मांतू, मांतू चोना, ये रहा घोंतू, इसने कुछ दिन पहले बच्चा दिया था, मगर ये बहुत ही ज़्यादा ही मतलब केयरलेस मॉम है, जिसने मतलब अपने बच्चे को ही मार डाला खुद ब खुद। और ये रहा मेरा चिंकी, सभी को गेहूँ दिया है, सभी खा रहे हैं। तो दूसरी तरफ चलते हाँ, मेरा कालू बच्चू कालुआ, और यहाँ पर दोनों जो मेरा है गिनी पिक। ये लोग अभी तक भी बच्चा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मुझे नहीं मालूम है, तो इसको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। और चलो अभी पक्षी की तरफ चलते, पक्षी पक्षी पक्षी। तो अभी बस मेरे पास एक ही पक्षी बची है, और दूसरे वाला सफ़ेद वाला जो था वो दो दिन पहले ही मर चुका है, मतलब ठंड लगने की वजह से या फिर कौन सी वजह से मालूम नहीं, मगर मर चुकी है। तो बहुत ही दुख की बात है, मुझे लगा था मैं इसको छोड़ दूँ, तो अभी सोच रहा हूँ और कुछ खरीद के लाऊंगा पंछी, तो उनके एक साथ करते हूँ, देखते हो क्या होता है। मैं भूल गया था इसके अंदर तो मेरा चिंटू पुक्कू है, इसको मैंने छोड़ना ही भूल गया था, सॉरी बच्चू। अरे बाबा ले देखो कैसे सुंदर हो गया चिंटू, अब पहले का चिंटू याद है आपको, उससे तो बहुत ही मतलब अलग दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा मोटू सा हो गया और सब मतलब साफ सुथरा भी हुआ है। पहले तो सारा शरीर में गंदा था इसका, अभी थोड़ा खुद ठीक है। तो चलो बाय घूमो। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो मिलते हैं नेक्स्ट और किसी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, और हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। बाय बाय।